नमस्कार विद्यार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रिंकी, सहायक प्राध्यापक दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय से। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है सशक्तिकरण, उसका संप्रत्यय, अर्थ, आवश्यकता और महिला सशक्तिकरण के सूचक। सबसे पहले इस क्रम में हम सशक्तिकरण के संप्रत्यय और अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, समुदाय या संगठन की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, लैंगिक या आध्यात्मिक स्थिति में सुधार होता है। इसका अर्थ यह भी है कि सशक्तिकरण की प्रक्रिया प्रत्येक को अपने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, लैंगिक या आध्यात्मिक अधिकारों, उत्तरदायित्वों और विभिन्न प्रकार के अवसरों के प्रति सजग और जागरूक बनाती है। जो सशक्त होते हैं उनमें सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सामुदायिक और सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने की क्षमता होती है। यह प्रक्रिया व्यक्ति के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाती है तथा उसे इस योग्य बनाती है कि वो अपने ऊपर होने वाले किसी भी प्रकार के अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध अपने या दूसरों के लिए सही तरीके से विरोध कर सकें। इस क्रम में अब हम महिला सशक्तिकरण के संबंध में समझने की कोशिश करेंगे। महिला सशक्तिकरण सामाजिक रूपांतरण की वह प्रक्रिया है जिसमें महिला के नियंत्रक के रूप में लाभ और निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता विकसित होती है। यह महिला को अपने जीवन के संबंध में अपनी पसंद के निर्धारण एवं भूमिका निर्वहन पर बल देती है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या सूचना तंत्र पॉपिन के अनुसार महिला सशक्तिकरण के 5 मुख्य अंश हैं, जिसमें पहला है महिलाओं में आत्ममूल्य की भावना का होना, दूसरा उनके लिए विभिन्न प्रकार के विकल्पों का होना तथा उनमें से अपने लिए विकल्प के चयन की स्वतंत्रता, तीसरा उनका विभिन्न अवसरों और संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने का अधिकार का होना, उनका अपने घर के अंदर और बाहर अपने स्वयं के जीवन को नियंत्रित करने का अधिकार होना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक बदलाव की दिशा को प्रभावित करने की क्षमता जिससे कि ज़्यादा न्यायसंगत आर्थिक और सामाजिक स्थिति बन सके। महिला सशक्तिकरण की अवधारणा व्यापक तथा बहुआयामी है। इसके मुख्यतः 4 आयाम हैं, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक तथा राजनीतिक। तो यदि हम महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए हमें संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम को समझने की ज़रूरत होगी। अब हम इसे एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम संज्ञानात्मक आयाम के विषय में समझते हैं। यह महिलाओं को अपनी पराधीनता और समाज में अपने निम्न स्तर होने की स्थिति को और इनके कारणों की सूक्ष्म और वृहद स्तर पर समझने को संदर्भित करता है। इसमें स्वयं को समझने और उन विकल्पों को बनाने और अपनाने की आवश्यकता शामिल है जो सांस्कृतिक और सामाजिक अपेक्षाओं के खिलाफ जा सकते हैं परंतु उनके सशक्तिकरण के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ऐसे व्यवहार पैटर्न को समझना जो परिवार और समाज के बीच निर्भरता, पारस्परिक निर्भरता और स्वायत्तता पैदा करते हैं। अगला इसी क्रम में है कि महिलाओं द्वारा ऐसे नए ज्ञान को प्राप्त करना जिससे लिंग संबंधों की एक अलग स्वस्थ विचारधारा और समझ बनाने के साथ साथ पुरानी ऐसी मान्यताओं को नष्ट करने में सहायता मिले जो शक्तिशाली लिंग विचारधाराओं को पोषित नहीं होने देते हैं। सशक्तिकरण के संज्ञानात्मक घटक में महिलाओं द्वारा परिवार नियोजन तकनीकों को जानने के साथ साथ अपनी लैंगिकता के विभिन्न पहलुओं की जानकारी अर्जित करना भी शामिल है, क्योंकि महिलाओं को अपनी लैंगिकता और इसके विभिन्न पहलुओं की जानकारी नहीं होना पुरुषों का महिलाओं के शारीरिक और मानसिक नियंत्रण के लिए औचित्य प्रदान करता है। महिलाओं का उनके लिए उपलब्ध कानूनी अधिकार और उसके कार्यान्वयन के तरीके का ज्ञान होना भी जरूरी है। अब हम मनोवैज्ञानिक आयाम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। मनोवैज्ञानिक आयाम महिलाओं में ऐसी भावनाओं का होना है जिससे महिलाओं को यह विश्वास हो कि वो अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर अपनी स्थिति सुधारने की दिशा में कार्य कर सकती हैं और साथ ही अपनी स्थिति परिवर्तित करने में भी सक्षम हैं। तो पहले उनमें यह विश्वास होना, यह भावना होना कि वो अपनी स्थिति को स्वयं परिवर्तित कर सकती हैं। हमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि आत्मविश्वास और स्वाभिमान किसी को सिखाया नहीं जा सकता है, लेकिन हम ऐसा वातावरण पैदा कर सकते हैं जिससे महिलाओं में ये गुण विकसित हो जाएं। मनोवैज्ञानिक तत्व के साथ साथ आर्थिक आयाम को भी समझने की ज़रूरत है। आर्थिक आयाम के अंतर्गत हम यह समझने की चेष्टा करते हैं कि महिलाओं का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है।
इसके लिए यह जरूरी है कि महिलाएं ऐसे कार्यों में शामिल हों जिससे वो आर्थिक स्वायत्तता प्राप्त कर सकें। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आर्थिक रूप से उनकी अधीनता खत्म करनी पड़ेगी। अब हम राजनीतिक आयाम के विषय में समझने की कोशिश करेंगे। महिलाओं का अपने आसपास के पर्यावरण की राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करने की क्षमता राजनीतिक आयाम के अंतर्गत आती है। सामाजिक परिवर्तन के लिए लोगों को व्यवस्थित और संगठित करने की क्षमता और उनका विभिन्न औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं से संबद्धता और एकीकरण भी राजनीतिक आयाम के अंतर्गत आता है। अर्थात महिलाओं को यह समझने की ज़रूरत है और महिलाओं में ऐसे स्किल विकसित करने की ज़रूरत है जिससे वो लोगों को व्यवस्थित और संगठित कर पाएँ और अपने लिए समाज में परिवर्तन लाने की दिशा में कार्य कर पाएँ। जैसे संसद या विधानमंडलों में महिलाओं की कितनी भागीदारी है और प्रशासन के प्रतिबंधन में उनकी भागीदारी का प्रतिशत क्या है, यह महिलाओं के राजनैतिक सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दे हैं। महिला सशक्तिकरण के संबंध में ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने लिखा है कि यह औरतों को शक्ति, क्षमता तथा योग्यता देता है ताकि वे अपने जीवन स्तर को सुधार कर अपने जीवन की दिशा को स्वयं निर्धारित कर सकें। यह वह प्रक्रिया है जो महिलाओं को सत्ता की कार्यशैली समझने की समझ देता है ताकि वे सत्ता के प्रश्न को समझकर सत्ता के स्रोतों पर नियंत्रण कर सकें। अब इस क्रम में हम यह समझने की चेष्टा करेंगे कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता हमें अपने देश और समाज के संपूर्ण विकास के लिए है। सामान्यतः हम यह समझते हैं कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता हमें उन्हें अपने अधिकारों को प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित करना, उनका अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करने की दिशा में प्रेरित करने से संबंधित है और साथ ही साथ देश और समाज के सतत विकास में सहयोग करने से संबंधित है। तो हम यह कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता महिलाओं द्वारा अपने अधिकारों को प्राप्त करना, अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करना और अपने देश और समाज के संपोषित या सतत विकास में सहयोग करने के लिए ज़रूरी है। एक सशक्त व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होता है और वह अपने अधिकारों को प्राप्त करने के तरीके जानता है तथा कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से करता है और ऐसा करके वह समाज और देश के सतत विकास में सहयोग करता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व सर्वेक्षण की महिलाओं की विकास में भूमिका नामक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के सशक्तिकरण एवं आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संपोषित या सतत विकास के मध्य गहरा संबंध है। निर्णय लेने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सार्वजनिक संसाधनों के निवेश को मानव विकास प्राथमिकताओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के लिए आवंटित करती है। उदाहरण के तौर पर महिलाओं के शिक्षा के स्तर में वृद्धि होने से शिशु के मृत्यु दर में कमी आती है और पारिवारिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। शिक्षा की वजह से नारी की भागीदारी श्रम बल में बढ़ती है। शिक्षित और सशक्त नारी का पारिवारिक और राष्ट्रीय आय के बढ़ोतरी में भी योगदान होता है। महिलाओं की आय में वृद्धि से बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शैक्षिक संभावनाओं पर सकारात्मक प्रभाव होता है। इसी बात को समझते हुए ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक लक्ष्य समाज में लैंगिक समानता स्थापित करना तथा बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त करना भी है। अतः हम ये कह सकते हैं कि मानव सभ्यता के सतत विकास में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए उनके सशक्तिकरण की आवश्यकता है। समाज में अपने साथ हो रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार को बदलने, संसाधनों तक अपनी पहुंच बनाने, राष्ट्रीय, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों में अपनी सक्रियता बढ़ाने तथा इन मुद्दों पर अपना मत बनाने तथा निर्णय लेने के अधिकार और कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण की हमारे समाज में बहुत आवश्यकता है। अब हम यह समझेंगे कि महिला सशक्तिकरण के क्या क्या सूचक हैं। ऐसे कौन कौन से सूचक हैं जिससे हमें यह समझ में आएगा कि एक महिला सशक्त है। सशक्तिकरण एक जटिल मुद्दा है जिसके विभिन्न सामाजिक, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक संदर्भों में अलग अलग व्याख्या हैं और इसके सूचक को अलग अलग स्तर पर समझने की ज़रूरत है। इसी संदर्भ में यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन हैम्बर्ग के द्वारा जारी रिपोर्ट 1995 के अनुसार महिला सशक्तिकरण के अलग अलग स्तरों पर निम्नलिखित सूचक हैं। सबसे पहला स्तर है महिलाओं के व्यक्तिगत और उसके घर के स्तर पर। महिलाओं का घर में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में कितनी भागीदारी है, किस सीमा तक वो भागीदारी करती है, घरेलू काम
पुरुषों द्वारा घर में कितना साझा किए जाते हैं, किस सीमा तक साझा किए जाते हैं, प्रजनन कार्यों और अपने परिवार के आकार पर नियंत्रण और फैसला लेने की क्या सीमा है, क्या महिलाएं अपने प्रजनन कार्य और अपने परिवार के आकार को लेकर किसी तरह की निर्णय किसी तरह के का फैसला लेने की पोजीशन में होती हैं, उसके द्वारा अर्जित आय का उपयोग कहाँ किया जाए यह तय करने की क्षमता है उसमें या नहीं है, अपने कार्य के प्रति उसके अंदर गर्व की भावना है या नहीं है, और यदि गर्व की भावना है तो वह उसकी अभिव्यक्ति कर पाती है या नहीं कर पाती है, उसके अंदर आत्मविश्वास का होना और आत्मसम्मान का होना और उसके अंदर हिंसा को रोकने की क्षमता का होना, यह बताता है कि महिलाओं का व्यक्तिगत और उसके घर के स्तर पर सशक्तिकरण का क्या लेवल है। अब हम ये देखें कि समुदाय के स्तर पर महिलाओं की सशक्तिकरण हम कैसे पहचानेंगे, क्या सूचक हैं जिससे हम यह समझ पाएंगे कि एक समुदाय की महिलाएं सशक्त हैं। समुदाय में महिलाओं के संगठनों का अस्तित्व का होना, महिलाओं को धन आवंटन और महिलाओं के लिए परियोजनाओं का होना, गांव, जिला, प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर महिला नेताओं की पर्याप्त संख्या का होना तथा प्रौद्योगिकी या तकनीक के डिज़ाइन, उसके विकास और अनुप्रयोग में महिलाओं की भागीदारी का होना, सामुदायिक कार्यक्रमों, उत्पादक उद्यमों, राजनीति और कला में उसकी भागीदारी का होना, समुदाय में गैर परंपरागत कार्यों में महिलाओं की भागीदारी का होना, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का होना तथा यदि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो निरंतर उसमें वृद्धि का होना तथा आवश्यक होने पर उसके द्वारा कानूनी अधिकारों का प्रयोग करने की क्षमता का होना। राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के क्या सूचक हैं, अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे। तो उसमें पहला है उनके अर्थात महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के विषय में नागरिकों के बीच में जागरूकता का होना, सामान्य राष्ट्रीय विकास योजनाओं में महिलाओं का समाकलन या भागीदारी का होना, महिलाओं के नेटवर्क का अस्तित्व होना और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर प्रकाशनों का अस्तित्व होना, महिलाओं का आधिकारिक पदों पर कार्यरत होना तथा उनके कार्यों की वजह से उनकी पहचान का होना। अर्थात महिला यदि किसी आधिकारिक पद पर कार्यरत है तो वो अपने कार्य को इतने सशक्त और इतने अच्छे तरीके से करे कि उसके कार्य की वजह से उसकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर विकसित हो जाए। मीडिया या जन संप्रेषण के माध्यम में महिलाओं से जुड़े मुद्दों का शामिल होना। विद्यार्थियों, हम लोगों ने यह समझा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के का संप्रत्यय क्या है, उसके सूचक क्या है, महिला सशक्तिकरण को समझने के विभिन्न स्तरों पर सूचक क्या हैं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है। आशा करती हूँ कि यह चर्चा आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई होगी। अगले किसी सत्र में हम फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।